मेरे पीछे है अंकोर वाट टेम्पल, पूरा टेम्पल आप देख सकते हैं, मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कमल और मेरे हिसाब से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है इस कार्विंग में। यदि आप कभी भी लाइफ में कंबोडिया जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो कंबोडिया में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे उनका कैपिटल सिटी है नॉम पेन, कंपोट जो सेंट्रल कंबोडिया में है, दो आइलैंड्स हैं बहुत अच्छे जो घूमने जैसे हैं, कोरोंग और कोरोंग सेलम। यहां पे आप जाए ना जाए पर आप सियाम रिप जरूर जाएंगे। अगर आप अपने दिल पे मारते हैं तो यहाँ पे इको आपको सुनाई देगा आपके हार्ट का। जी हाँ, सियाम रिप जहां पे हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर टेंपल अंकोर वाट, जो लॉर्ड विष्णु जी का टेंपल है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माना है कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कार्विंग जो वो सब बहुत अच्छी है, बहुत माइन्यूटली की गई है एंड शायद बनाते हुए काफी टाइम भी लगा होगा इनको। इतने सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे साउथ इंडिया के चोला डायनेस्टी के राजाओं ने ये मंदिर कंबोडिया में बनवाया था, बट एक इतिहास ये भी कहता है कि खमिर राजा सूर्यवर्णम दो, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। उनके तमिलियंस के साथ बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे तो तभी उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। पर ये मंदिर में आपको कुरुक्षेत्र की लड़ाई प्लस हिंदू कल्चर के कितने सारे स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अंकोर वाट। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंकोर वाट एक, अगर आपको टेंपल देना है, वहां पर सिर्फ एक टेंपल नहीं है, 10वीं 12वीं सदी के कितने सारे मंदिर हैं। एक छोटा सा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, ये सर्कल में फैले हुए कितने सारे टेंपल्स हैं, ये सब आपको अगर देखना है तो एक दिन काफी नहीं है। अंकोर वाट अगर आपको अच्छे से देखना है तो एक दिन में आप देख सकते हैं, पर आजू बाजू के सारे टेंपल्स अगर देखने हैं तो मिनिमम आपको 2 दिन या 3 दिन, उनकी टिकट्स वहां पे मिलती है 1 दिन की 2 दिन की और 3 दिन की, वो आप ले सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अंकोर वाट सिटी से करीबन 8 से 10 किलोमीटर है, बट उसका टिकट सेंटर, टिकट्स आपको सियाम रिप सिटी से ही लेनी है। तो पहले आप आगे के दिन भी टिकट ले सकते हैं, तो पहले आप सिटी में से टिकट ले लीजिए फिर अंकोर वाट जाइएगा, क्योंकि अंकोर वाट में कहीं भी टिकट काउंटर नहीं है, सिर्फ आपकी टिकट्स चेक होंगी। और ये एक टिकट सारे मंदिरों में जहां जहां आप जाएंगे वहां पे ये एक ही टिकट चलेगा सब जगह पे, तो आपको एक ही टिकट खरीदना है और वो सब टेंपल्स में चलता रहेगा। सो ये अंकोर वाट का मेन एंट्रेंस है। Shoot going on. So you can see this is beautiful Angkor Wat. बहुत ही बड़ा टेंपल है। यदि आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपने बाइक रेंट पे ली हुई है या ऑटो रिक्शा से आप सियाम रिप में से अंकोर वाट देखने के लिए जाएंगे तो शायद बहुत जल्दी उठ के आप ट्रैवल करेंगे, हड़बड़ी में ट्रैवल करेंगे, तो एक दिन में ये सारे मंदिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था, मैंने बाइक हायर कर ली थी और एक ही दिन में सुबह से शाम तक ये सारे टेंपल्स मैंने कवर किए, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही थक गया था। यदि आपके साथ कोई और है या आपकी फैमिली है तो ये आप नहीं कर पाएंगे, मिनिमम आपको 2 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा, तो उस हिसाब से प्लान करिएगा। और आइए चलते हैं
आपको मैं आज के दिन में, आज के ये वीडियो में अंकोरवाट दिखाता हूं, और बाकी के वीडियो में मैं बाकी के मंदिर आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं अंकोरवाट। और हाँ, उससे पहले यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को शेयर भी करिएगा। थैंक यू। सो ये अंकोरवाट का मेन एंट्रेंस है। गुड मॉर्निंग। आज आखिरी दिन 21, कल मुझे यहाँ से निकलना है। आज अंकोरवाट जाऊँगा। सुबह हो चुकी है, सुबह मेरी हुई 6 बजे। तैयार होके 7-Eleven स्टोर पे आया हूँ कॉफ़ी पीने। सबसे सस्ती कॉफ़ी यहीं पे मिलती है। सो कॉफ़ी पी के फिर जाऊँगा अंकोरवाट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंकोरवाट की टिकट्स अंकोरवाट टेंपल पे नहीं मिलती है, सिटी में मिलती है। तो पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। मुझे 5 किलोमीटर वापस से आना पड़ा टिकट लेने के लिए। सिटी में एक ही बिल्डिंग है, वहाँ पे टिकट मिलती है, किसी को भी पूछ लीजिएगा। पहले से टिकट लेके आपको जानी है अंकोरवाट पे, वरना आपको वापस से 5-7 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। सिटी के आउटस्कर्ट में टिकट सेंटर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा टिकट सेंटर है, वहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। टेम्पल पे कहीं पे अंकोरवाट पे टिकट्स नहीं मिलती है, वहां पे सिर्फ चेक पॉइंट है जहां पे आपकी टिकट्स चेक की जाएगी। ये अंकोरवाट का मेन एंट्रेंस है, और एक एंट्रेंस मंदिर के पीछे से भी है जहां से मैंने एंट्री ली थी। सो ये अंकोरवाट का एंट्रेंस है। मुझे बोला गार्ड पहचानने लगा, उन्होंने बोला था 1 किलोमीटर है, फिर मैंने उनको बोला भाई आपने 1 किलोमीटर बोला था, 5 किलोमीटर है। बट एनीवेज आपको सिटी में से ही टिकट कलेक्ट कर लेना है, भूलिएगा मत। तो ये आप देख सकते हैं अंकोरवाट। टर्न राइट, देन टर्न राइट। ये अंकोरवाट का पीछे का एंट्रेंस है जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। आगे का एंट्रेंस मैंने आपको दिखाया, ये अंकोरवाट के पीछे से एंट्रेंस है, वहां से मैं जा रहा हूँ अंदर। सब हम लोग जा रहे हैं अंदर टेंपल के अंदर। 12वीं सदी का ये सबसे पुराना हिंदू टेंपल है। ये जो आप कार्विंग देखने वाले हैं वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से 37 हेवन एंड 32 हेल यानी नर्क उसके बारे में है। स्टोरीज बताई गई है यहाँ पे कार्विंग में। ऊपर की जो कार्विंग है वो हेवन है एंड नीचे की जो कार्विंग है वो हेल है। तो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से 37 हेवन एंड 32 हेल ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो कार्विंग मैंने आपको दिखाई वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से 37 हेवन्स एंड 32 हेल 32 हेल उसकी कार्विंग है। जो नीचे है वो हेल की कार्विंग है ये वाली, एंड जो ऊपर है वो हेवन की कार्विंग है। क्रीचर
कोई दूसरी वॉल पे की गई कार्विंग है। अभी जो आप देख रहे हैं वो खामिर राजा, राजा सूर्यवर्णम दो, उनके मरने के बाद तुरंत ये कार्विंग बनाई गई थी। अभी ये जो आप देख रहे हैं वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई का वर्णन है। इसमें आपको इंडियन ट्रेडिशन देखने को मिलेगी, हाथी घोड़े रथ ये सब देखने को मिलेंगे, पर ये वर्णन है वो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई, द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। ये बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है इस कार्विंग में। सो हम जा रहे हैं सेंटर पार्ट में, एकदम मंदिर के सेंट्रल पार्ट में। मे बी यहाँ पे कोई कुंड हुआ करता था। ये जिनको आप अप्सराज बोलते हैं वे हैं। दूसरी बजे दूसरा कुंड है, द सेम। आप सोचिए 12वीं सदी में डायरेक्शंस का ध्यान रखा गया था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप अपने दिल पे मारते हैं तो यहाँ पे इको आपको सुनाई देगा आपके हार्ट का। इसके ऊपर भी कार्विंग्स करी गई है पिलर्स के ऊपर। और ये यहाँ से अंकोर वाट का फ्रंट गेट, जो मेन एंट्रेंस गेट है, वो आपको दिखाई देगा। कार्विंग जो वो सब बहुत अच्छी है, बहुत माइन्यूटली की गई है, एंड शायद बनाते हुए काफ़ी टाइम भी लगा होगा इनको। सो ये अंकुर वट का मेन एंट्रेंस है।
तो आइए चलते हैं हम लोग अंकोर वट के मेन एंट्रेंस की तरफ। मेरे पीछे एग्जैक्टली मेरे पीछे अंकोर वट मेन टेंपल है, सामने जो दिख रहा है वो उसका एंट्रेंस था। साइड में भी ऐसे दोनों बाजू कुछ बना हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो उसका मेन एंट्रेंस गेट है। ये अंकोर वट का मेन एंट्री गेट, और यहाँ से एंट्री गेट से मंदिर कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेन गेट एंट्री गेट पे जब आप खड़े रहेंगे तो अंकोर वट सामने जो दिख रहा है वो अंकोर वट टेम्पल है, मेन टेम्पल। कोई ट्रेडिशनल फोटोशूट चल रही है, मे बी प्री वेडिंग जो मैं बोल रहा था। क्या था मुझे मालूम नहीं, पर मैंने भी उनके साथ एक फोटो खिंचवाई। मूर्ति जो खंडित हो चुकी है, जमन की है। एंट्री गेट पे आपको ऐसी मूर्तियां वगैरह मिल जाएंगे, एंड एक बुद्धा की भी मूर्ति है, क्योंकि खमेर राजा ने वहां पे, खमेर राजा के बाद वहां पे बुद्धा को स्थापित कर दिया था, तो विष्णु के बजाय वो बुद्धा का मंदिर बन गया था। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर के कार्विंग्स मैं आपको वापस से थोड़े नजदीक से दिखा रहा हूं। ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कार्विंग्स है। कृष्णा और आरासुर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका वर्णन है। बड़े भाई कृष्ण जी और आरासुर के बीच में लॉर्ड विष्णु के अवतार में जब कृष्ण जी आए थे और आरासुर के साथ उनकी लड़ाई हुई थी उसका वर्णन है यहाँ पे। था पूरा अंकोर वाट, ये पीछे का व्यू है जहां से मैंने एंटर किया था।